हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी यूनिक वे ऑफ लर्निंग। देखिए, करंट इवेंट या करंट अफेयर्स 2022 की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसकी ऑलरेडी 272 क्लासेस हमने डिस्कस कर ली हैं, जिसको जिनको कि हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिस्कस किया है। क्लास 255 से लेकर क्लास 272 तक हमने जो इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल विन किए हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जो कि हमने 18 मेडल यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। आज हम 19th मेडल डिस्कस करेंगे, जो कि पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में गोल्ड जीता है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की वीडियोस यदि आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर विजिट करिए और करंट अफेयर्स 2022 प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की वीडियोज देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को और चलते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, जो कि आपके ब्रिटेन के बर्मिंगम में आयोजित किए गए थे 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में। यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स में पीवी सिंधु इंडिया सटलर हैं, बैडमिंटन प्लेयर्स हैं। पीवी सिंधु लिव्ड अप टू हर विलिंग ऑफ इवेंट फेवरेट एस सी ब्रस्ट असाइड माइकल ली। तो इन्होंने 2 बार की ये ओलंपिक मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं पीवी सिंधु। कॉमनवेल्थ गेम्स में कनाडा की मिशेल ली को हराकर यहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो हमको इस करेंट इवेंट न्यूज के बारे में याद रखना है कि पीवी सिंधु ने, जो आपकी बैडमिंटन प्लेयर है, उन्होंने किसको हरा के यहाँ पे गोल्ड मेडल इंडिया के लिए जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 ब्रिटेन बर्मिंगम में आयोजित किए गए थे, तो इन्होंने कनाडा की मिशेल ली को हराकर यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। वहीं हम बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के आखिरी दिन इन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल दिलाया था, और कॉमनवेल्थ गेम्स में पीवी सिंधु का ये पहला गोल्ड मेडल है। तो ये सारे पॉइंट हमको याद रखने हैं। उन्होंने कनाडा की मिशेल ली को यहाँ पे हराया है। कितने से हराया था? तो यहाँ पे 21-15, 21-13 और में हराकर यहाँ पे जो है 2 सेट्स में हराकर यहाँ पे जो है इंडिया के लिए गोल्ड मेडल विन किया था। तो ये हमको याद रखना है इस करंट इवेंट न्यूज के बारे में। भाई, हम पीवी सिंधु की और बात करें तो दिस इज हर थर्ड सिंगल मेडल फ्रॉम कॉमनवेल्थ गेम्स नाउ, हैविंग अर्लियर वॉन द ब्रॉन्ज इन 2014 ग्लासगो में, जो आपके 2014 के जो कॉमनवेल्थ आयोजित किए गए थे वहां पे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और आपके 2018 में जो आपके गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए थे राष्ट्रमंडल खेल, वहां पे इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। 2014 में यहाँ पे ब्रॉन्ज जीता था, जो कि आपके गोल्ड कोस्ट ग्लासगो में आयोजित किए गए थे। वहीं 2018 जो कि आपके गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए थे वहां पे इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और ये इनका कॉमनवेल्थ गेम्स में थर्ड मेडल है, जो कि 2022 ब्रिटेन बर्मिंगम में जो आयोजित किए गए हैं, ब्रिटेन बर्मिंगम में यहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में अभी तक तीनों तरह के मेडल जीत लिए हैं। 2014 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, 2018 में सिल्वर, और 2022 जो कि रिसेंटली अभी इन्होंने जीता है, ये यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने कनाडा की ली को हराकर यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। तो ये सारे पॉइंट हमको याद रखने हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्टार पीवी सिंधु, इसके अलावा इन्होंने 2 ओलंपिक मेडल भी जीते हैं। तो इस तरह इन्होंने टोटल मौजूदा गोल्ड सहित 5 मेडल अपने नाम की हैं। 2 आपके ओलंपिक में मेडल्स हैं इनके, 3 यहाँ पे, 1 ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड मेडल है। वुमेन सिंगल्स 2018 के गोल्ड कोर्स में उन्होंने सिल्वर मेडल, और 2014 में जो है यहाँ पे ब्रॉन्ज जीता था। ये सारे पॉइंट भी हमको पीवी सिंधु के बारे में याद रखने हैं, जो कि इंडिया की बैडमिंटन प्लेयर हैं। तो ये ऑल अबाउट था इस करंट इवेंट न्यूज के बारे में। इससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्ट क्वेश्चन की बात कर लें, तो इससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट क्वेश्चन पहला तो यही बन सकता है कि पीवी सिंधु ने जो आपका कौन सा मेडल जीता है। तो पीवी सिंधु ने जो जीता है वो आपका गोल्ड मेडल जीता है, और किसको हरा कर जीता है? तो कनाडा की ली को हराकर, मिशेल ली को हराकर यहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि 2000 स्टडी जीके की हम बात करें, प्रीवियस क्वेश्चन यदि बनाएं तो 2014 और 2018 में इन्होंने कौन कौन से मेडल जीते थे। तो 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स, जो कि आपके ग्लासगो में आयोजित किए गए थे, वहां पे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और 2018 जो कि आपके गोल्ड कोस्ट में आयोजित हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स राष्ट्रमंडल खेल, वहां पे इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और 2022 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी नया वीडियो लेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।